आज मैं आपको शर्ट में कोट कॉलर बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मेरे पास ये बॉटम वाला कपड़ा है, तो ये फ्लर्स वाला कपड़ा हमने यूज करना है इसमें। और ये मेरे पास शर्ट का फ्रंट पीस है। तो सबसे पहले हम गले की ब्रॉडनेस लगा लेंगे। गला हमने 3 इंच चौड़ा रखना है। ये देखिए, ये मैंने गला 3 इंच चौड़ा रख लिया है। और जो गले की डीपनेस है वो हम 3.5 इंच ले लेंगे। ये हम गले की डीपनेस 3.5 इंच ले लेंगे। और ये इस तरह बॉक्स बना के हम इसको थोड़ा सा हल्की सी इस तरह गोलाई दे के इसको कट कर देंगे। अब हम इसे इस तरह रख के काट देंगे। अब हमने ये कपड़ा इस तरह डबल फोल्ड कर लिया। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको कपड़े को फोल्ड कर लिया है। और बंद वाली साइड मेरी साइड में है। तो हम पहले सबसे पहले ये वाले जो शर्ट का पीस हमने काटा था इसको इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल बराबर इस तरह सेट कर लेंगे। अब हमने ये इसके ऊपर रख के कपड़ा सेट कर लिया है। और सबसे पहले हम गले की कटिंग कर देंगे। और ऊपर से भी हम साफ कर देंगे इसको, जो हमने काट डाली हुई है। ये हमारा इतना हो गया। तो अब हमने क्या करना है, यहां से 2.5 इंच हम यहाँ पे चौड़ा लगा लेंगे इसको। और जो गले की डीपनेस है वो हम यहां से रखेंगे। गले की डीपनेस हमने कितनी रखनी है, 8 रखनी है, 9 रखनी है, वो आपके अपने अकॉर्डिंग है। ये थोड़ा कॉट कॉलर है, थोड़ा ये ऊपर से बंद रहेगा, तो इसको मैं 9 इंच डीप रखूंगी। और 1/2 इंच हम मार्जिन के लिए रख लेंगे, क्योंकि ये इस पे सिलाई भी होनी है। तो इसको हमने इस तरह निशान लगा लिया। और इस तरह ये देखिए, ये हम इस तरह इसकी शेप लगा लेंगे। और अब हम नीचे इस तरह देखेंगे इसको, और यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे। अब इसको हम इस तरह रख के ये निशान बना लेंगे। अब हम इस कपड़े को, जो नीचे वाला कपड़ा है हमारा, इसे हम कट कर देंगे। अब हम फ्यूज पेपर के ऊपर ये हमारा जो नीचे वाला कपड़ा हमने जो काटा है इसके ऊपर इसको रख के अच्छी तरह, पहले मैं इसको रफली इस तरह कटिंग कर देती हूँ। अब हम इसे पहले प्रेस से चिपका देंगे। अब हमने ये कपड़ा इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। और पेस्टिंग पेपर को हम, जो हमारा एक्स्ट्रा है, उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हमने यहाँ से कपड़ा, जो ये पेस्ट पेपर लगाया है, इसको हम यहाँ थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे। कपड़ेगा इस तरह हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद इसको हम इस तरह फिंगर से प्रेस कर देंगे और सेंटर का निशान हम बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमारा ये सेंटर का निशान आ गया। और ये जो हमारी एक्स्ट्रा है फ्यूज पेपर, ये हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल शेप में कट गया है। अब हमने क्या करना है, इसको जब हमने फोल्ड किया है तो इसके ऊपर अब यहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे हम इस तरह निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। थोड़ा सा कट करना है, ओनली 2 सेंटी या बस ओनली, ये देखिए इतना थोड़ा सा हमने कट कर दिया। और अब हम इसे शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। अब हमने शर्ट के ऊपर इसको, जो ये हमने पीस ये बनाया था फ्यूज पेपर के ऊपर, बिल्कुल इस तरह गले के ऊपर रख देना है।
और ये बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा, सेंटर से सेंटर मिला लेना है, और जहाँ से हमने ये कट डाला है कट से शुरू करना है हमने, जहाँ से हमने ये कट डाला है वहाँ से सिलना शुरू करेंगे और ये इस कट तक सिलेंगे। अब हम यहाँ से सिलाई हटाएंगे और कट को दोबारा काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाले कपड़े में अभी हमारा कट नहीं बना था। तो ये देखिए ये कट हमने कर दिया और अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह आपने सेट कर देना है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए देख लिया आपने ये। अब हमने इसको ये वाली जो निशान है हमारा इसको हम सिलेंगे थोड़ा सा जहां तक हमने गला डीप करना है ये हमारा। फिर हमने दूसरी साइड अपनी साइड पलटी कर लिया, वो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि हम कहां तक हमने सिला है। तो अब हम यहां से इसको सिलेंगे। ये आपने अब गले की डीपनेस देखनी है कि गले की डीपनेस कितनी रखनी है। अब यहां से हम गले की डीपनेस का निशान लगाएंगे। गले की डीपनेस जो हमारी है वो 8.5-9 इंच हम लेंगे यहाँ से, जितनी भी आपने रखनी है वो अपने अकॉर्डिंग है। वैसे कम से कम आप 8 इंच तो रखें अगर आप बड़े बंदे का कमीज बना रहे हो। अब हम देखिए यहाँ से इसको सेंटर से सेंटर मिला के हमने ये सिलाई लगा दी है जहां तक हमने गला रखना था, और यहाँ से अब हम इसे कट कर देंगे। कट करके ये कॉर्नर्स वगैरह हम अच्छी तरह काट देंगे क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग आनी चाहिए। और अब हम इसको अच्छी तरह फोल्ड करेंगे। ये जो हमारे कॉर्नर्स है इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह, और ये सुई की हेल्प से हम इसके कॉर्नर्स निकाल देंगे। इधर भी इसी तरह करेंगे हम। अब हमने इसको कपड़े को फिर अंदर की तरफ उल्टा पलटी कर देना है, और अब हम यहाँ से जो ये वाला एरिया है जहाँ तक हमने सिलाई शुरू करी थी पहले, वहाँ से अब हम सिलाई शुरू करेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगा देंगे कि ये हमारा कपड़ा बिल्कुल अच्छी तरह दब जाए। ये हमने बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है, ये बाहर ज़्यादा अंदर नहीं लगानी, बिल्कुल किनारे पे। अब हम इस धागे को काट देंगे यहाँ से। अब ये देखिए एक पार्ट इसका बन गया है, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे। ये देखिए अब इसका एक पार्ट तो बन गया है जो हमने इस तरह फोल्ड करना है। अब हमने ऊपर का कॉलर बनाना है। अब कॉलर बनाने के लिए इसको पहले हम सिल देंगे कपड़े के साथ, क्योंकि ये हिले ना यहाँ से, नहीं तो हमें बाद में अटैच करने में दिक्कत आएगी। ये सिल दिया हमने और अब हम यहाँ से भी सिल देंगे और इस साइड भी हम इसकी सिलाई कर देंगे यहाँ पे भी। अब हमने ये वाला पल्ला बैक वाले पे अटैच करना है पहले। ये हमने बैक वाला पीस लिया है हमारा, तो अब हम इसे यहाँ पे इसी तरह रख के अटैच कर देंगे। अब हमने यहां से इसको पकड़ के थोड़ी सी गुलाई दे देनी है 1 इंच की। ये देखिए इस तरह हमने इसको गुलाई दे दी। अब हम यहाँ से कॉलर का नाप लेंगे, हमने कॉलर बनाना है। अब यहाँ से लेंगे बिल्कुल, जाओ ये जो हमने एक्स्ट्रा वाला कपड़ा छोड़ा था यहाँ पे कट लगाया था, तो अब हम यहाँ से इसको नापना शुरू करेंगे। बिल्कुल हम इस तरह गुलाई में नापेंगे इसको,
ये देखिए ये हमारा 16 इंच आ गया। अब हम 16 इंच का कॉलर बनाएंगे। अब हमने ये फ्यूज पेपर ले लिया है, फ्यूज पेपर को मैंने यहाँ से इस तरह फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब हम पहले इसकी कॉलर की चौड़ाई लेंगे। कॉलर की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है यहाँ से, वो हमारा 17 इंच बनना था कॉलर। तो अब हम यहाँ पे 8.5 इंच का निशान लगा लेंगे। पहले 8.5 इंच का मैंने निशान लगा लिया और ये मेरा 17 इंच कॉलर बनना है। तो यहाँ पे मैंने 3.5 का लगाया, यहाँ पे हम 2.25 इंच का निशान लगा लेंगे, 2 या 2.25, एज यू विश। वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से लगा सकते हो कि कॉलर की चौड़ाई हमने कितनी रखनी है। यहाँ से अब हम 3 इंच तक कोई शेप नहीं देंगे, 3 इंच तक हम इसको सीधा रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको शेप देंगे। ये देखिए इस तरह हमने इसकी शेप दे देनी है और इसको हम यहाँ से काट देंगे। अब जो कॉलर की शेप है ये वाली, आप इसको या तो तीखा कर सकते हो ज़्यादा, इतना भी कर सकते हो, लेकिन हम यहीं से काट देंगे इसको, इतना ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे, वो आपकी मर्जी है। अगर तीखा करना है तो इसको थोड़ा टेढ़ा काट सकते हो आप। ये हमारा कॉलर इस तरह फिनिशिंग दे दो आप, नीचे कट गया है ये कॉलर। अब हम इसे पहले कपड़े पे अटैच करेंगे। अब हमने फ्यूज पेपर इसके ऊपर चिपका लिया है कपड़े के पे, और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के हम इसको कट कर देंगे, और यहाँ से भी अब हम सारा थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के इसको कट कर देंगे। हम गोलाई वाली साइड से, जहां से हमने थोड़ी सी गोलाई दी थी, वहां से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को दूसरे कपड़े के ऊपर रख के सिलना शुरू करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे रख लिया है इसको, और यहाँ से अब हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे। अब हमने ये कपड़ा सारा इस तरह फिनिशिंग दे देनी है, और यहाँ से अब हम थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रख के 0.8 इसको यहाँ से कट कर देंगे। और इसे अब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो कॉर्नर्स हैं हमारे, इसे हम इस तरह सीजर की हेल्प से निकाल देंगे। आप सुई से भी निकाल सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। अब हमने इस कपड़े को कॉलर को ऐसे रखना है, और ये देखिए हमने इतना किनारा जो ये है कॉर्नर, ये हमने खुला रखना है अभी थोड़ी देर के लिए। जब हमारे ये कॉर्नर सिल जाएंगे यहाँ से नीचे से, उसके बाद हम इसको बाद में बंद करेंगे। अभी हम इसे इस तरह रख के अच्छी तरह सेट कर लेंगे पहले। ये देखिए कॉलर हमारा रेडी है। अब हमने इसको शर्ट पर अटैच करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमने ये शर्ट का पीस इस तरह रख लिया है जो हमने यहाँ पे कपड़ा लगाया था, और ये कॉलर वाला हिस्सा हमने इस तरह रखना है इसके ऊपर। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे रखना है किनारे पे। रखने के बाद अब हम इसे यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा स्टिच करके अब हम इसे इस तरह, जैसे जैसे हमारा ये कॉलर घूमता जाएगा, इस सिलाई को हम इस तरह घुमाते जाएंगे। अब हमने इसे पहले यहाँ पे रख के देख लेना है अच्छी तरह। ये देखिए ये हमारा कॉलर बिल्कुल पूरा आया है, और यहाँ तक अब हम इसे यहाँ पे
बंद कर देंगे छिलना। ये सिलाई हमने यहाँ पे डबल कर दी है और ये सिलाई को हम कट करेंगे और यहाँ से इसको निकाल देंगे पहले बाहर। निकालने के बाद अब हम इसे इस तरह अंदर की तरफ रख के, ये देखिए यहाँ से हमने अब इसको फिनिशिंग देनी है अच्छी तरह। ये देखिए यहाँ पे इस तरह रखेंगे और यहाँ से छिलना शुरू करेंगे बिल्कुल किनारे पे। देखिए यहाँ पे जो सिलाई वाला एरिया है वहीं पे देनी है आपने सिलाई। यहाँ पे भी आपने अच्छी तरह फिनिशिंग देनी है बिल्कुल। यहाँ पे आप डबल सिलाई करोगे। डबल सिलाई करने के बाद अब आपने सिलाई उठानी नहीं है, अब आपने ऊपर की तरफ चल पड़ना है। यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे आ जाएंगे और किनारे पे आने के बाद हम दोबारा सिलाई अंदर की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ पे अब हम डबल सिलाई करेंगे। अब हम यहाँ से सिलाई काट देंगे और जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं हमारे, ये सबसे बुरे लगते हैं, इनको आप पहले काट दीजिए। अगर ये धागे होंगे तो आपके गले में फिनिशिंग नहीं दिखेगी बिल्कुल भी, हमने पहले इनको कट कर देना है। ये देखिए ये हमारा कॉलर अब बन गया है। अब हमने इसको फिनिशिंग देनी है कि कैसे सेट करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ से ये हमारा इस तरह फोल्ड होगा और ये हमारा इस तरह फोल्ड होगा और जो ये वाला एरिया है हमारा, पहले इसे हम इस तरह अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर, ये डबल कर देंगे और ये यहाँ से फोल्ड होगा ये वाला। ये देखिए यहाँ से फोल्ड हो जाएगा और ये आधा होना है ये फोल्ड। अपने यहाँ से अच्छी तरह प्रेस कर लेना इसको हाथ से। ये देखिए ये हमारा कोट कॉलर बनकर बिल्कुल रेडी है और बहुत अच्छी तरह फिनिशिंग से बना है। आप भी इसे बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।